मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दिव्या, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक महत्वपूर्ण विषय विज्ञापन, जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। विज्ञापन लेखन हमारे लेखन कौशल से संबंधित है। विज्ञापन में हम एक वस्तु के खरीदने, लेने या देने से संबंधित उसकी विशेषताओं का बखान करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, हम जिस स्कूल में जा रहे हैं वो हमारे स्कूल का नाम है बीआर ग्लोबल स्कूल। अगर हम बीआर ग्लोबल स्कूल की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, विज्ञापन देना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? जो भी हमारे स्कूल की फैसिलिटी है, जितनी उसके अंदर विशेषताएं हैं, क्वालिटीज़ है, वो सब हम उसके अंदर मेंशन करते हैं। क्योंकि विज्ञापन एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है जिसको देखने पर ही आपकी वस्तु की बढ़ोतरी, बिक्री या फिर उसकी उन्नति विज्ञापन पर डिपेंड होती है। विज्ञापन हमारे कई तरह के होते हैं, जैसे कि स्थानीय विज्ञापन, जिसमें वस्तु की बिक्री से संबंधित बताया जाता है या इनाम दिया जाता है, छूट दी जाती है, इस तरह के। आगे होता है राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन यानी कि राष्ट्र से संबंधित किसी भी काम के लिए जो विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। फिर होते हैं वर्गीकृत विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन जिसके अंदर कुछ जरूरतें हो या फिर किराए की दुकानों के लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं, वो वर्गीकृत विज्ञापन। इसी तरह से जन कल्याण संबंधी विज्ञापन भी तैयार किए जाते हैं, जिसमें जो भी मंत्री या फिर केंद्रीय सरकार द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई भी योजनाएं होती है, उनका बखान उसमें किया जाता है। इसके अलावा और भी कई तरह के विज्ञापन होते हैं। विज्ञापन हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि इंस्टीट्यूट चलाने के लिए या फिर एक स्कूल के लिए, बहुत तरह के हमारे शिक्षा के क्षेत्र में योगा क्लासेस के लिए, ट्यूशंस के लिए, ठीक है, और कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करवाने के लिए बहुत से विज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम करते हैं विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले इसकी विशेषताएं करेंगे हम। विशेषताओं में सबसे मुख्य जो बात है वो मैंने आपके पांच टॉपिक आपके बना के दिए हैं। पहली विशेषता, आकर्षक हो, यानी कि विज्ञापन हमारा आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। सेकंड, कम तथा प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग। शब्द हमारे कम होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, लेकिन प्रभावशाली होने चाहिए। तीन, स्लोगन या मुहावरे का प्रयोग। स्लोगन, जैसे अगर हमें जल संबंधी कोई विज्ञापन बनाना है तो हम देते हैं जल है तो कल है। पेड़ों से संबंधित अगर हम या पर्यावरण से संबंधित विज्ञापन देते हैं तो हम स्लोगन लिख सकते छोटा सा कि आओ पेड़ लगाएं। इस तरह से हम कोई भी मुहावरा, कोई भी लघोक्ति, कोई भी स्लोगन का प्रयोग हम कर सकते हैं। चार नंबर पर है चित्र तथा रंगों का प्रयोग। विज्ञापन को बनाते समय जब उसको आकर्षक बनाने की बात आती है तो उसमें हमें चित्र और रंगों का प्रयोग करना पड़ता है। जब हम जिस भी चीज़ का विज्ञापन बना रहे हैं, उस चीज़ का हमें अगर उस चित्र बनाकर हम उसको शो करते हैं तो ज़्यादा बेटर लगती है। आगे है पांचवी विशेषता, एक बॉक्स या डिब्बे में बनाना। विज्ञापन को हमेशा ही एक बॉक्स या डिब्बे में बनाया जाता है। ये जो आपके सामने बनाया गया है इस तरह से, तो ये एक डिब्बे के तौर पर, इसके अंदर ही हम विज्ञापन का नाम, विज्ञापन की जो क्वालिटी है, जिस भी क्वालिटी का हम विज्ञापन करना चाहते हैं, सपोज कोई भी क्रीम का हम करना चाहते हैं तो उस क्रीम का नाम आ जाएगा, वो जहाँ उपलब्ध होती है वो आ जाएगा। क्रीम की हमने एक डायग्राम भी बनाना है, उसमें कलरिंग भी करना है, और उसके अंदर जो जो उसकी विशेषताएँ होती है, जो जो उसके मुख्य बिंदु है, वो हमें दर्शाने होते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई छूट है उसके साथ या कोई इनाम है तो भी हम उसमें मेंशन करते हैं। तो ये तो था विज्ञापन की विशेषताएं। अब हम बनाते हैं एक विज्ञापन। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए एक विज्ञापन तैयार मैंने किया है, जो है पेन की बिक्री हेतु। जब आपको पेन की बिक्री हेतु कोई विज्ञापन तैयार करने के लिए दिया जाए तो वो आपने कुछ इस तरह से बनाना है, जो कि आपका कलरफुल भी हो, ठीक है, कुछ आपको छूट भी दे रखी हो,
कुछ आपने स्लोगन का ही प्रयोग किया हो जिसमें पेन का नाम भी आ गया हो और पेन का चित्र भी बनाया गया है, देखिए आप ध्यान से, और इसकी विशेषताएं कुछ बताई गई है, और सौजन्य से लास्ट में बताया गया, सौजन्य से अर्थात जिसने भी विज्ञापन देना है या जहां आपको सामान आसानी से प्राप्त होगा, तो उसके लिए हम दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, एक सौजन्य से, दूसरा संपर्क करें, इन दोनों में से कोई एक का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जहां आपका ये पेन आपको प्राप्त होगा, जो भी विज्ञापन दे रहा है उसका एड्रेस नीचे आ जाएगा। तो मेन मुख्य बात आपने देख ली, सबसे पहले एक बॉक्स तैयार किया गया है, बॉक्स के अंदर सबसे पहले नाम मेंशन किया गया है, नाम के बाद में इसका एक चित्र बनाया गया है, जो भी आपका विज्ञापन है उसका चित्र बनाया गया है, फिर इसकी विशेषताएं बता दी गई है, 1, 2, 3, 4, अगर आपको और ज्यादा याद आती है तो इसकी और ज्यादा भी विशेषताएं बताई जा सकती है। उसके बाद है, आप अगर उस चीज में कुछ छूट देना चाहते हो तो उसका भी आपने वर्णन करना है, या फिर कुछ इनाम रखा हुआ है, या उसके साथ कुछ फ्री है, या फिर कुछ आप कम कर रहे हो, तो वो सारी चीज आप इसके अंदर बता सकते हो, एक बॉक्स बना के बादल टाइप में, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है उस तरह से, या फिर आप कुछ भी इसको आकृति दे सकते हो, कुछ भी आप इसकी शेप दे सकते हो। तो यहाँ दिया गया है भारी छूट, एक पेन के साथ दो रिफिल, फ्री फ्री फ्री। उसके बाद एक स्लोगन, एक बार प्रयोग करोगे तो बार बार यही चाहोगे, उसके बाद आपका पता, बस यही है आपका विज्ञापन। इसी प्रकार से हम और भी कई तरह के विज्ञापन हम बना सकते हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित विज्ञापन। पर्यावरण से संबंधित जब भी हम विज्ञापन तैयार करेंगे तो उसके अंदर हमने पेड़ की आकृति बनानी है, उसके अंदर हम एक दो डायलॉग लिख सकते हैं कि जैसे कि वृक्ष है तो हमारा कल है, जल है तो जीवन है, क्योंकि पर्यावरण में जल, वृक्ष, भूमि, हर चीज आती है, तो हम पर्यावरण में हर चीज की स्वच्छता, सुंदरता, उनका वर्णन हम कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको एड्रेस या पता लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई योजनाएं हैं, योजनाओं से संबंधित कोई विज्ञापन है, तो हम ऐसी विज्ञापन के अंदर हम सिर्फ संपर्क करें या संपर्क करें ऐसा नहीं लिख सकते, सिर्फ पता लिखते हैं, और हम ये बताते हैं कि भारत सरकार मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी, इतना ही उसके अंदर लास्ट में लिखा जाता है। तो हर एक विज्ञापन का अपना अलग अलग प्रयोग है और उसी तरह से हमें बनाना होता है। तो इससे पहले मैंने आपको एक दो उदाहरण दे दिए हैं, एक पेन का उदाहरण आपके सामने है, क्रीम का आ सकता है विज्ञापन तैयार करना, या फिर आपके स्कूल के अंदर किसी भी तरह की जैसे कि कला का कोई आयोजन है, आर्ट कॉम्पिटिशन है, तो उसके लिए भी आप अच्छे से कोई ड्राइंग वगैरह बना के, ठीक है, आप बना के बता सकते हो, और टाइम और स्थान देना पड़ता है। ऐसे जब हम जैसे कि कला आयोजन है, आर्ट का कोई कंपटीशन है, या फिर अन्य कोई कंपटीशन है, तो ऐसे प्रतियोगिताओं के लिए आपको अंत में स्थान और समय बताना पड़ता है, दो चीजें उसके अंदर मुख्य तौर पर प्रयोग की जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।